गुमशुदा की तलाश FIR दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है छानबीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं अंकिता सिंह। मामला लखनऊ की ब्रजधाम नगर बदाली खेड़ा थाना सरोजी नगर का है। बता दें कि पुत्र दीपक सिंह चौहान, पुत्र सतनाम सिंह, जो कि वर्तमान में आयुष विभाग से BAMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थित बिजनौर रोड से जुनाबगंज रोड पर बाबूखेड़ा से कर रहा है। दिनांक 9/2/2021 को शाम को कॉलेज से वापस आने के बाद शाम 7 बजे घर से रोड पर सामान लेने के बहाने गायब हो गया। पूरी रात न आने पर प्रार्थी रिश्तेदारों तथा उसके सभी साथी तथा कॉलेज के बगल में होटल आदि स्थानों पर 2-3 दिन तक ढूंढते रहे, किंतु कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों का कहना है, मेरे पुत्र दीपक सिंह चौहान अचानक गायब होने से पूरा परिवार दुखी है। थाना सरोजनी नगर थाना अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी को ढूंढने में पूरा सहयोग दें। हुलिया 5'6", दुबला शरीर, रंग गेहुआ एवं दाढ़ी रखे, नीला कोट तथा गुलाबी का प्लेन शर्ट पहने हुए है। रिपोर्ट आकाश प्रजापति। सतनाम सिंह पुत्र स्वर्गीय किशोर सिंह निवासी ब्रजधाम नगर बदाली खेड़ा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ का हूँ। मेरा पुत्र दिनांक 9 तारीख से लापता है। मेरे द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई, लेकिन एप्लीकेशन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं 3 दिन से बराबर चक्कर मार रहा हूँ इधर उधर, लेकिन वो कहते चौकी जाओ, फिर कहते चौकी वाले कहते थाने पहुँचो, थाने वाले कहते, अभी फिर जो इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब ने फिर चौकी उसे कहा, चौकी इंचार्ज से, चौकी इंचार्ज फिर हमको फ़ोन कर रहे हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन मिल नहीं रही, लिहाजा दूसरी एप्लीकेशन आज फिर दे दो। इससे मैं इतना आहत हो गया हूँ कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, पूरा परिवार मेरा पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन थाने वाले चक्कर लगवाते लगवाते एकदम परेशान कर दिए हैं। मैं क्या करूं, या तो मैं स्वयं जान दे दूं, क्या मैं आखिर कर क्या सकता हूं जब मैं सब जगह, या फिर लड़के का नाम दीपक कुमार, दीपक सिंह चौहान।